मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के लल्लू पोखर कंकड़ घाट में आज गुप्त सूचना के आधार पर खगड़िया आरपीएफ, रेल इंटेलिजेंस और बिहार पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में एक बड़ा कबाड़ दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में रेलवे के चोरी का पैंडल क्लिप सहित रेल का चोरी का अन्य लोहा बरामद किया गया। यह छापेमारी खगड़िया आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद कुमार राम के नेतृत्व में चलाया गया। हालांकि छापेमारी के दौरान कबाड़ दुकान मालिक जीवन सहनी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा, जबकि पुलिस को देख दुकान में काम कर रहे अन्य मजदूर भी भाग गए। जानकारी के मुताबिक खगड़िया आरपीएफ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के लल्लू पोखर कंकड़ घाट स्थित जीवन सहनी के कबाड़ी दुकान पर भारी मात्रा में चोरी के रेल का लोहा है, जिसके बाद आरपीएफ टीम ने कबाड़ी दुकान पहुंचकर छापेमारी करने लगे। इस दौरान कबाड़ी दुकान से भारी मात्रा में रेल के चोरी का पैंडल क्लिप सहित रेल के चोरी का अन्य लोहा बरामद किया गया। कबाड़ी दुकान में जब आरपीएफ पुलिस के द्वारा छापेमारी किए जाने लगा तो इस दौरान कबाड़ी दुकान से भारी मात्रा में रेल लोहा निकलने लगे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दुकान मालिक को हिरासत में लेकर दुकान में ही बैठा दिया गया। इस दौरान वहां पर स्थानीय ग्रामीण एवं महिलाओं की काफ़ी भीड़ जुटने लगे, जिसे आरपीएफ पुलिस के द्वारा भीड़ को हटाने लगे। तभी मौजूद आरपीएफ इंस्पेक्टर के मोबाइल पर किसी व अधिकारी का फ़ोन आया और जब वह बात करने लगे तब मौका पाकर दुकान मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस दौरान आरपीएफ पुलिस के द्वारा उसे खदेड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मौका पाते ही नदी में कूद गया और भागने में सफल रहा। कबाड़ी वाला लेगा नहीं तब तक चोर चोरी नहीं करता है ना। भारी मात्रा में सूचना मिली थी हमें, क्या क्या चीज खोलने के बाद सर्च ही कर रहे हैं। ये सब ऑप्शन का है, बाकी चीज मत डालिएगा, वो ऑप्शन का इनका अथरा है। ठीक है, हालांकि छापेमारी के दौरान यहाँ पे पुलिस कर्मियों को जो रेल के कुछ लोहे होते हैं वो भी मिला है यहाँ पे, और वो उस लोहे के निशानदेही टीम का ले लीजिए। ठीक है भैया पानी लेके आ जाओ, सबको पिला दो, उसके बाद फिर पानी ला दो। अरे।